मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके जो यूपी बिहार है लकीली बहुत लकी रहा है, स्वरा बहुत 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 स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। स्वरा कैसे रहता है टाइम, बिकॉज यूपी बिहार का बैकग्राउंड देखते हैं, इस बार भी हम देख रहे हैं बिहार का, सो ये मानना चाहिए कि यूपी बिहार इज लकी फॉर यू? डेफिनेटली मुझे लगता है नॉट जस्ट लकी, यूपी और उत्तर प्रदेश बिहार बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर, और बहुत शुक्रिया उत्तर प्रदेश और बिहार का उसके लिए। मेरी सारी जो यादगार फिल्में हैं, यादगार जो रोल हैं, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ नाता रहा है उनका। मेरी जो पिछले साल मेरी सोलो हिट बनी नीलबटे सन्नाटा, वो आगरा में शूट हुई, और आगरा की कहानी थी। अनारकली और आरा जो आई होप अच्छा करे बॉक्स ऑफिस पे 24 मार्च को आ रही है, उसमें मैं बिहार की एक गायिका का रोल कर रही हूँ। सो ऑफकोर्स मेरे अपने परिवार के भी रूट्स हैं, मेरी नानी जी बनारस की हैं, मेरे नाना पटना के हैं, तो कुछ पुराना है उत्तर प्रदेश बिहार के साथ। सर आप मेट्रो सिटी में रहे, मुंबई दिल्ली रहे, तो आपको लगता है जो ऐसी स्टोरीज है आर्केस्ट्रा वाली की, तो कितने करीब लाती है आपको ऐसी स्टोरीज करेक्टर के? वेल, मुझे लगता है कि कहानियाँ, सारी कहानियाँ जायज़ होती हैं, जो ज़मीनी हो या जो शहरी हो या जो भी हो, अगर आप उसे सच्चे तरीके से बिना प्रिटेंस के बता रहे हैं। और तो अनारकली भी ऐसी कहानी है। मुझे लगता है बॉलीवुड आजकल बहुत अच्छा कर रहा है कि छोटे शहरों में वापस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर तबका जो है पॉपुलेशन का, वो छोटे शहरों में रहता है, या मतलब जो बड़े अगर पॉपुलेशन देख लें, आबादी देख लें, एंड एक तरीके से अगर देखें तो कहानियाँ भी वहीं पर हैं। यू नो, हमारी हम सब की जो बड़े शहरों की ज़िंदगी है, एक तरीके से उससे बहुत कुछ ख़त्म हो गया है, मज़ा ख़त्म हो गया है, छोटे छोटे जो खुशियाँ होती हैं वो ख़त्म हो गई हैं, छोटे छोटे स्पेशल चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो गए, इनोसेंस चली गई है। सो आई एक्चुअली मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऐसी फिल्में, एंड अनारकली वारा भी एक ऐसी ही फिल्म है। एंड मुझे लगता है लोगों के लिए, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए, ये एक ऐसी दुनिया जो उन्होंने कभी देखी नहीं है, तो एक एग्जॉटिसिज्म फैक्टर होना चाहिए। और क्लासी जो ऑडियंस है, जो एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट और कमर्शियल वैल्यू ढूंढ रही है, उसके लिए यार लड़की लहंगे में नाच रही है स्टेज पे, अभी इससे ज़्यादा और कमर्शियल क्या हो सकता है। सर अनारकली और वारा जैसी फिल्में आपको लगता है करियर डिफाइनिंग मूवीज़ की तरह साबित हो? आई होप सो यार, मेरे जीवन में ऐसे दो तीन मूवीज़ आ चुकी हैं करियर डिफाइनिंग, एक रांझना थी, एक नीलबटे सन्नाटा हुई। आई होप अब ये करियर को डिफाइन करके और आगे भी ले जाए। फेमिनिज्म के लिए आप बहुत सपोर्ट रहते हैं, हम देखते भी हैं कि क्योंकि नज़रें बदलनी और कपड़े बदलने की जरूरत है, आपकी सोच बदलनी चाहिए, तो आप आगे आते, तो आपको क्या लगता है फेमिनिज्म पे जो ऐसी मूवीज़ है उनको और लाना चाहिए बॉलीवुड? डेफिनेटली लाना चाहिए, और मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो महिला प्रधान फिल्में हैं, जिनका एक सशक्त महिला किरदार का मैसेज है, वो सशक्त महिला किरदार दिखा रही हैं, वो पिछले 3 सालों में अगर आप देखें जो फिल्में हिट रही हैं, वो ज़्यादातर महिला प्रधान नारीवादी और ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक सशक्त महिला किरदार है, जो बेचारी नहीं है, वो लड़ती है या कुछ अचीव करती है। तो आई थिंक कि ये बहुत ही एक सकारात्मक दिशा बॉलीवुड ने ली है, और मैं बहुत खुश हूँ उससे। उन सारी फिल्मों में से एक मेरी नीलबटे सन्नाटा भी है, और आई होप अनारकली वारा भी बनेगी। स्वरा ये होती है कि जो ये इसकी भाषा थी, स्वरा को तो जाहिर है कि समझ नहीं आई होगी, अनारकली के लिए बहुत क्लोज होगी, तो जब आपको, क्योंकि बहुत अलग रहता है लैंग्वेज बैरियर जो रहता है, क्योंकि ऐसी जब हम छोटे शहर में जाते हैं लैंग्वेज वहाँ की डबल मीनिंग होती है, लेकिन समझी नहीं जाती, बट यू डिड अ ग्रेट जॉब यार। थैंक यू। वेल आई थिंक कि हाँ, बट मुझे लगता है एक्टर का काम ही होता है कि भाषा को समझना, पकड़ना, लहजे को पकड़ना, तो वो मेरा काम है यार। मतलब अब मैं आपको ये थोड़ा बोलूँगी कि बहुत ही मुश्किल होता है जर्नलिस्टिक रिसर्च करना या माइक पकड़ के बैठे रहना, वो आपका काम है, राइट? सो सिमिलरली मेरा काम है, एंड चूँकि मेरे लिए थोड़ा एडवांटेज हमेशा ये रहता है कि चूँकि परिवार के जड़ यूपी बिहार में है, मतलब आधे परिवार के, तो एक साउंड की फेमिलैरिटी है। अब अगर शायद मुझे अगर तमिल का सीखनी पड़े, तमिल किरदार करना पड़े, तो मुश्किल हो मेरे लिए, क्योंकि वो उसमें कोई मतलब वो नहीं है, फेमिलैरिटी नहीं है, बट दिस इज नॉट बैड। बट हाँ, मुझे ऑब्वियसली किसी भी किताब पे काम करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश बिहार के बारे में तो कहते हैं ना कि 3 कोस पे पानी और 6 कोस पे पानी, तो जैसे मुझे चंदा नीलबटे के लिए एक ब्रज प्रदेश और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो लहजा था वो पकड़ना पड़ा कि ये क्या कर रही है वो ये वाला, और यहाँ के लिए एक पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार का भोजपुरी टाइप का लहजा पकड़ना था। तो स्वरा ट्रेलर्स बहुत फंटेस्टिक है, और उम्मीद करते हैं कि मूवी हिट भी होगी, क्या कहना चाहेंगे हमारे यूपी वाले? मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप मेहरबान रहे हैं मेरे ऊपर, मेरी फिल्मों पर, आप अपनी ये मेहरबानी बनाए रखें, और प्लीज़ मेरी फिल्में जाकर देखें हॉल में, क्योंकि अनारकली आरा वाली 24 मार्च को थिएटर में इंतज़ार कर रही है कि वो हाथ जोड़ के आपको प्यार भरी नमस्कार करे और सर झुका के इस वाला आदाब करे। थैंक यू सारा, तो आप भी जाइए 24 मार्च, बहुत एंटरटेनिंग मूवी है, ट्रेलर्स बहुत प्रॉमिसिंग है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा की जो ये जो अनारकली वाला अवतार है पसंद आएगा। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार।